वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा साहब वाजिद ज़िया साहब का बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो फ्लैट्स हैं उनके और जो उनकी गल्फ स्टील मिल्स हैं और अजीज़िया स्टील मिल्स हैं, उनका जो ओनरशिप है वो भी नवाज शरीफ के नाम नहीं है। इस पर नून लीग खुश बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि हम सुरखरू हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं। तो इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि वाजिद साहब का जो बयान है वो, कोई फैसला तो नहीं आ गया? नहीं, अभी फैसला नहीं है। अब देखें ना कि ये फ्लैट्स जो है इनका नेल्सन नेस्कोल कंपनी जो है, ये मरियम के नाम पर है, उनकी वो सीईओ है। तो मुझे बताएं कि ये जो पैदा हुए थे, ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। तो अभी तो ये छोटे छोटे थे, जब से ये कंपनी इनकी बनी है उस वक्त ये छोटे छोटे थे। अभी इन्होंने किसी जगह पर जॉब भी करनी शुरू नहीं की थी। ये जो हसन है, इन लोगों ने कोई अभी तक काम नहीं शुरू किया था। 2001 में तो इन्होंने जॉब करनी शुरू की है, अब छोटे छोटे इन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी और अरबों रुपए की जायदाद उनके नाम पर आ गई। मुझे बताएं वो कहाँ से आई है। ये तो अभी थोड़ा सा ये कहा जा रहा है, वाजिद ज़िया ने ये कहा है, उनसे पूछा गया कि क्या ये सारी चीजें मियां नवाज शरीफ के नाम पर हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये मियां नवाज शरीफ के नाम पर नहीं है। अभी ये नहीं पूछा कि ये किन के नाम पर है। ये तो अभी ये सारी चीजें जो आपकी आ रही है, जिस तरह आप लोगों ने मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चलती हुई देखी हैं, एक जगह पर मरियम नवाज जो है वो कह रही है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे नाम पर तो कोई ज्यादा जायदाद नहीं है मेरे पास पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद एक जगह पर उसने बताया कि 95 करोड़ 1 अरब के लगभग मेरे नाम पर जायदाद है। अब इतने एक दो दो चार चार छह कंपनियां इनके नाम पर आ रही है, तो ये कहां से लेके आए हैं? मुझे बताएं, 2002 में इन्होंने छोटी छोटी जॉब करनी शुरू कर दी है। तो नवाज शरीफ साहब जो है इस चीज से खुश ना हो, ये फंसेंगे आगे। ये किस तरह फंसेंगे आकर मुझे बताएं कि अगर आपके नाम पर कोई जायदाद है, आपके बच्चों के नाम पर कोई जायदाद है, तो आप तो कमाई नहीं कर रही ना, आपके बच्चे कमाई नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? आपके घर का सरबराह कर रहा है। तो घर के सरबराह कौन है? वो मियां नवाज शरीफ है। ये यहां पर आकर फंसेंगे, इन्होंने फंसना ही एक ना एक दिन। तो ये जो अपनी ये करते फिर रहे हैं, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, और ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इस तरह नहीं होता। और ये समझ लें कि ये खुदा नहीं है कि ये यहां से बच के निकल जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक जगह पर मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपने आप को समझ रहे हैं कि ये खुद फैसले कर सकते हैं, ये खुद जान छुड़ा के यहां से भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए एक बात पैट है कि ये लाजमी है, मेरी बात जहन में रख लें, गौर से सुन लें कि ये जो कलम होता है ना, ये कलम और मजमून जो है वो किसी और के हाथ में, हम एक कोरे कागज हैं। ये कोरे कागज आप समझ लें कि कलम कौन है और मजमून कौन है, ये अल्लाह ताला की जात है। हम कोरे कागज हैं, वो जब चाहे किसी जगह पर कुछ भी लिख सकता है। इन्होंने जो गलत किया है तो इनके खिलाफ वो चीज लिखी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ये अपने आप को समझे कि कलम भी इनके हाथ में है और मजमून भी इनके हाथ में। तो लिहाजा मैं इसके ऊपर ज्यादा आप डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये साबित आपके सामने हो रहा है। वाजिद ज़िया ने जो कहा, उन्होंने सिर्फ अभी तक यही कहा है कि ये मियां नवाज शरीफ के नाम पर नहीं है। तो बच्चे मुझे बताएं भाई, कैसे साबित करेंगे कि हमने ये पैसे करोड़ों रुपए कहां से लेके आए? अगर वो 2 करोड़ रुपए, अब देखें वो बेटा जो बाप को 2 करोड़ रुपए भेज रहा है, तो वो कहां से भेज रहा है भाई? वो उसकी तो इतनी जॉब ही नहीं है, उसके तो असासे ही इतने नहीं है। इसी तरह ये असासों की वजह से मारे गए हैं। यहाँ पर हमारे सागडार साहब, उनके भी असासे इतने नहीं थे। इसी वजह से कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो भी मारे गए हैं। 9 अरब रुपए के उन्होंने घपले शपले किए हैं, उनका भी केस अभी न्याय में चल रहा है, वो भी आपके सामने थोड़े अरसे के अंदर अंदर आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो अभी बच रहे हैं, ये बचे नहीं है, इनको अभी थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। अच्छा, आपसे बल्कि मेरा सवाल ये कि बाजवा डॉक्ट्राइन, इसके बारे में एक इतने लोगों ने जो मौजूद थे उन्होंने तो कहा ही कहा, जो मौजूद नहीं थे उन्होंने भी उस पर लिखा भी, उन्होंने उस पर बहुत बातचीत की और उसको इतना मिसकम्युनिकेट कर दिया कि DGISPR को एक्सप्लेन करना पड़ा कि इसका ताल्लुक जुडिशरी से, NRO से, इलेक्शन से इवन नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट पीस। तो सबसे पहले आप हमें एक्सप्लेन करें कि बाजवा डॉक्ट्राइन एक्चुअली क्या है, इसको शॉर्ट सा जल्दी से बताएं। जो है ना सिंपली इसको हम बहुत ज्यादा बात शायद इस पे करने में नहीं चाहिए, लाइक सिंपल सी इसमें बात यह है कि देखें, यह एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क में एक इदारे को दूसरे इदारे की बातों को आके एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भाई मैं जो है ना इस तरह नहीं समझ रहा जिस तरह लोग समझ रहे हैं। एक जो इदारों का टकराव है वो बड़ा एक कॉमन कल्चर बनता जा रहा है पाकिस्तान में कि फौज जो है वो अदलिया से टकरा रही है, अदलिया जो है वो हुकूमत से टकरा रही है, हुकूमत जो है वो फौज से टकरा रही है। तो ये जो टकराने वाला सीन है, ये कहीं खुदा ना खास्ता एक दूसरे को टकरा के कहीं सारा सिस्टम ही कलाप्स आप रियासत का नुकसान है ना, क्योंकि इसमें अल्टीमेट जो नुकसान है वो रियासत का हो रहा है। तो कभी ये कहा जाता है जी फौज करवा रही है और फौज जो है वो उसको अल्टीमेटली आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है। भाई फौज के पास आप हर चीज में फौज को इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? फौज का काम है आपकी सरहदों का हिफाजत करना और वो अपनी सरहदों की हिफाजत बेहतरीन तरीके से कर रही है।
बाकी जो आपके इंटरनल सिस्टम है उस सिस्टम में आप सियासत में भी फौज को आके कहते हैं कि हर बार जो है ना ये फौज करवा रही है जी, ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है जी, ये फलाना करवा रहा है जी। भाई इस मुल्क में इलेक्टेड सिस्टम है, इस मुल्क का एक निजाम है, एक आइन है, उस आइन के तहत जो है वो जमहूरियत इलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क का सिस्टम है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस मुल्क में। सिर्फ एक और एक ही सिस्टम है इस मुल्क में, और वो है आपका इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों के वोट से जो है वो आएगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपके परवेज मुशर्रफ को आप देख लें कि मुशर्रफ साहब ने आके अभी आने की बात चल रही थी, जब सिक्योरिटी मांगी तो एहसन इकबाल साहब ने उधर से उनका नाम ईसीएल में नहीं डाला, तो उधर से ये कह दिया जी कि मैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। और भाई आप उनको आने तो देना, उनको प्रेजेंट तो करें ना, आप अदालत में पेश तो होने दें जाके उनको, उसके बाद जो उनका किया हुआ है वो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अभी जब उसने, इदारे अभी उसने जो दे दी है, उसने कहा हम इसको सिक्योरिटी देंगे, जब इदारे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब एक सिस्टम करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपकी रियासत का होगा। फिर आपके यही सियासतदान कहेंगे जी के ओ जी देखें जी मार्शल लॉ आ गया, कभी यहाँ पे मार्शल लॉ की भी नई नई किस्में आप शुरू हो गई है, पहले तो मार्शल लॉ सिर्फ फौज का होता था, जुडिशियल का मार्शल भी हो गया, इसका मतलब है कि अभी पता चलना शुरू हुआ है कि ये गालिबन नईम बुखारी साहब के साथ भी उनका मुकालमा हुआ है, मार्शल लॉ कोई भी है, चाहे वो जुडिशियल है, चाहे वो फौज का है, चाहे किसी का भी है, इस मुल्क में सबसे ताकतवर इस मुल्क का टैक्स पेयर है, एक आम आदमी है जो रेडी वाला है, जो चाय बेचने वाला है, जो दिन पूरा मेहनत करके अपना काम करता है, क्यों? क्योंकि वो टैक्स देता है इस मुल्क के इदारों को, और इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क का सिस्टम जो है वो उनके टैक्स से चलता है। और सेकंडली जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके टैक्स के अलावा जो एक और अहम काम उसका होता है वो होता है वोट। वो अगर वोट ना दे तो आपका कोई जो है MNA नहीं बन सकता, कोई MPA नहीं बन सकता, कोई आपका सिस्टम नहीं डेवलप हो सकता। तो आप जो अवाम की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को आके ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़नी चाहिए पाकिस्तान में कि भाई यहाँ पे बाजवा डॉक्ट्राइन नहीं आ रहा या जुडिशियल मार्शल आ नहीं, कभी चीफ जस्टिस साहब आके अपने आप को क्लियर कर रहे होते हैं, कभी बाजवा साहब आके ISPR आके क्लियर कर रही होती है। तो इसमें हमारे सियासतदानों की गलती है कि सियासतदान क्यों हर बात पे जो है वो फौज को बीच में इंटरफेयर करवा रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं। भाई आप उनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, उनको अपना काम करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में स्पेशली पिछले 4-5 साल की बात की जाए तो हालात इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी काफी बेहतर हुए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन साउंड हो गया। इसका जो है ना रुई जुडिशियल मार्शाल्लाह के बारे में आपको बता दूं, इनके साथ मुकालमा इनका हुआ नईम बुखारी के साथ, बड़े हंसते खेलते जिस तरीके से वो करते हैं, नईम बुखारी साहब बड़े शुगली बंदे हैं, तो वही नवाज शरीफ के बच्चों को कभी बताऊं कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, तो वो बात उनकी ठीक ही है, खा के इस तरह हो गए वो, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बहुत खुराक खाते हैं माशाल्लाह, बच्चे भी जब पहलवान होता फुटबॉल हार गए होने ने तो असी भी थोड़ा शुक्र लगा लीजिए। अच्छा उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ, उनकी मुकालमा आपस में हुआ तो उन्होंने यही कहा है कि ये सुनने में आ रहा है कि जुडिशियल मार्शल आ रहा है, उन्होंने कहा हरगिज नहीं आ रहा, चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कर दिया है कि ये हरगिज नहीं आ रहा। तो इसी तरह उन्होंने फिर कहा कि आपके भी बैनर्स बड़े लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बैनर्स उतार दिए हैं जिसके ऊपर मेरी तस्वीरें उन्होंने दी थी, मैंने बैनर्स उतार दिए, उतारने का मैंने हुक्म दे दिया है, तो इसलिए ये जुडिशियल लॉ जो मार्शल लॉ है ये नहीं आ रहा है, और जो उनके बैनर्स लगाए गए थे वो बैनर्स उन्होंने उतार दिए गए हैं। आप पॉजिटिव बात किए करें, लोग जो है वो पॉजिटिव बात नहीं करते, ये इसी तरह ये मुझे बताएं, एक बंदे ने एक आप शेख रशीद की बात मार रहे हैं, और शेख रशीद अल्लाह खैर करे शुक्र करेंगे वो बच जाए, वो तो मुझे खुद लग रहा है कि वो नहल होने के लिए जा रहे हैं। जिस बंदे ने झूठ बोला है हम तो कहते हैं फौरी तौर पर उसको सजा दी जाए, उसके उन्होंने एक शोशा छोड़ा था ना जुडिशियल मार्शल लॉ लगा दें, भाई तुम कौन होते इस तरह की बात करने के लिए? कानून दान जो बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला करना है किस तरीके से करना है, किस तरह नहीं करना। आप बीच में थोड़ा सा आगे शोशा छोड़ देते हैं, आगे बीच में लोगों को चैनल पे कह रहे होते 10 दिन के बाद ये होने वाला, 15 दिन के बाद ये होने वाला, भाई 5 साल के अंदर एक बात उनकी सच नहीं हुई, एक बात सच नहीं हुई, और जो बात सच हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने जो झूठ बोला है कि मेरी जमीन जो है मेरे नाम पर 900 कनाल जमीन है वो 1013 कनाल जमीन उनके नाम पर निकल आई है, और भी कुछ चीजें निकली हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल में जो है ये बातें ऐसी नहीं करनी है, चीफ जस्टिस साहब ने ये क्लियर कह दिया है कि जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा एक नाज़रीन आपको एक क्लिप दिखाते हैं लोड शेडिंग पे, फिर आके इस पर बात करते हैं, लेट्स सी द क्लिप। मैं आज भी कहता हूँ इंशाल्लाह नवंबर के बाद आप लोड शेडिंग नहीं देखेंगे, नवंबर 2017 के बाद इंशाल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। मैं आज भी कहता हूँ इंशाल्लाह नवंबर के बाद आप लोड शेडिंग नहीं देखेंगे, नवंबर 2017 के बाद इंशाल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। मुश्किलात जरूर आ सकती है मुकामी सतह पर। वज़ीर आज़म साहब आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है जी, आपने रिकॉर्ड कर ली है, इंशाल्लाह नवंबर 2017 में आपसे फिर बैठेंगे और ये बात भी हो जाएगी,
इस वक्त हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगस्त में हम मैक्सिमम तीन से चार घंटे की, तीन घंटे शहरों में, चार घंटे देही इलाके में लोड शेडिंग होगी और शुरू में हुई, लेकिन कुछ ऑपरेशनल मामलात पैदा हुए हैं एक दो पावर प्लांट्स में, वो हम हल कर रहे हैं और जैसे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हकान अब्बासी साहब नवंबर से ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है, देख जीरो लोड शेडिंग, लेकिन अब हालात ये हैं कि सिंध में 41 डिग्री टेम्परेचर है और कुछ है शेड्यूल्ड लोड शेडिंग, इसके अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और 14 घंटे और 16 घंटे से लाइट नहीं आ रही। मैं साहब, ये क्या वजूहत है, वादा कब से किया हुआ, पहले उन्होंने तो आते साथ ही कहा था 6 महीने में खत्म हो जाएगी, 5 साल पूरे छोड़े, वादे सारे इन्होंने झूठे किए हैं, जितने भी किए हैं, गर्मी इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं बताता हूं, जनरल ऑडिट जो है वो इसके जिम्मेदार है, ऑफिस इसका जिम्मेदार है, राबता कमेटी ने, इक्तिसादी राबता कमेटी ने 80 अरब रुपए की जो इसकी किस्त आनी थी, जो कि आपने फ्यूल की मद में देनी होती है, बिजली पैदा करने वाली जो चीजें उनकी हद में आपने देनी होती है, तो 526 अरब रुपए हम लोगों ने उनको पे करने हैं, जो कि हम पार्शली उसको पे करते हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी इन्होंने अप्रूवल हो चुकी है और वो लेट है। अब 80 अरब रुपए उन्होंने जारी करने थे, राबता कमेटी ने, वो उन्होंने इजाजत दे दी है, लेकिन आगे यही है कि ये लोगों को तंग करने के लिए कि एक माह रह गया, 15 दिन और रह गए, जब 15 दिन आपके आएंगे, जब जलसे जुलूस इनके शुरू होंगे, तो आपकी लोड शेडिंग बंद करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आवाम को बता दूं इनके पास इतने पैसे नहीं आगे देने के लिए। आपके सामने लोड शेडिंग अभी होनी शुरू हो गई है, 80 अरब रुपए जो कि अभी इस वक्त ये दबाकर बैठे हुए हैं, जो आवाम, जो मोहल्ले, जो गली में, जिस शहर के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, उसके हमारे पास इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं, उसकी अप्रूवल हो चुकी है, ये लोगों को जानबूझकर तंग करने की कोशिश की जा रही है। जिधर जो एरिया जो पीटीआई का आ रहा है वहां पर इन्होंने लोड शेडिंग कर देते हैं, इसी तरह ये चौधरी निसार साहब जो हैं, ये हमारे कौशल साहब जो उनके मोहल्लेदार हैं, ये आपको बताते हैं कि वहां पर कितने दिन हो गए बिजली गई हुई, ये तो कहते हैं मेरे घर में भी नहीं आ रही, आपकी गली में बिजली नहीं आ रही, आपके मोहल्ले में नहीं आ रही, तो आपके घर में क्यों आएगी, आप अपना ट्रांसफार्मर अलहदा लगवा लें। मैं इलेक्शन जरूर एरिया आपका, और बिल्कुल जी लोड शेडिंग की जो बात है, ये देखे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत जो है, वो शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, नवाज शरीफ साहब को आप देख लें, और अब शायद खान अब्बासी साहब को भी देख लें, हार्डली उनको 3-4 महीने हुए वज़ीर आज़म बने हुए, कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम कम से कम इतनी बिजली ले आएंगे और बाकी फिर भी इतनी कसर रह जाएगी। नहीं, ये कहते हैं हम सारी पूरी कर देंगे, हर कोई आगे यही कह रहे हैं, अगर लोड शेडिंग रह गई तो शहबाज शरीफ साहब, आवाज अवैस लगारी ने भी कहा पिछले, अवैस लगारी साहब आके कहते हैं कि जी जनाब नवंबर में बिजली आ जाएगी, आपके शायद का कहना बादशाह साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि जी नवंबर तक हर सूरत बिजली आ जाएगी, और इसी तरह आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी हर जगह कहते हैं, और वो अपनी तकरीरों में यही कहते हैं कि मेरी गलती क्या है कि मैंने बिजली लोड शेडिंग खत्म की, तो मियां साहब कहां खत्म की है, अभी नजर आती, वो किधर गई है वो आपकी जो बिजली है, वो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं, वो भी तो ये नहीं कह रही कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, तो आप उस कैंपेन को सिर्फ अपना जो नैरेटिव बेचने के लिए, अगर लोगों को ये समझ रहे हैं, बिजली वो चीज है जो अब आइंदा आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जानी है, क्योंकि अब जो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अब आपसे लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं होनी, जब आपसे कंट्रोल नहीं होनी तो अल्टीमेटली लोगों को समझ आ जानी है कि आपकी 5 साल की कारकर्दगी क्या है, जो आप 2013 से कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब 6 महीने में मैंने बिजली ना खत्म की, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ भाई 30 साल से कह रहे हैं, 5 साल हो गए हैं, ना हमें बिजली नजर आ रही है, ना हमें तालीम नजर आ रही है, ना हमें सेहत की सहूलियात नजर आ रही है, ना हमें थाने कल्चर होते हुए बेहतर नजर आ रहा है, तो किस बेसिस पे आप आवाम के सामने जाके कहेंगे कि हमें वोट दें, हमने दोबारा इलेक्शन लड़ना है आने वाले 2018 के इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल से PMLN की जो है या हुकूमती जितनी भी पार्टियां, कल सिंध के एक जो पीएस पार्टी के रहनुमा है वो कह रहे थे, अगर हमें पंजाब में मौका मिले तो हम सिंध जैसे तरक्याती काम करेंगे, और भाई सिंध में तो लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो खुदा रहा आप पंजाब में काम प्लीज पंजाब में ना करें, ये वो काम आप पंजाब से ज्यादा गंदा पानी सिंध में भरना जा रहा है, बहुत जो पंजाब में सहूलियात है बलोचिस्तान में काम हुए हुए ना वो भी नहीं मिलने, जैसे कल आपने कहा था कि आप जो है वो हेपेटाइटिस बी ऑक्सी है वो इस पानी की वजह से, बड़ा मेहरबानी आप सिंध नहीं रहे आप पंजाब में ना आए, नंबर वन तो ये, तो आप चाहे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात करें, सिंध को आप देख लें, लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल्स के हालात आप देख लें, हॉस्पिटल्स के हालात आप देख लें, आप पंजाब के हालात देख लें, पंजाब में 30 साल से मियां साहब बैठे हुए हैं लेकिन आज तक पंजाब ठीक नहीं हो सका, आप सिर्फ लाहौर को पंजाब कंसिडर करते हैं, लाहौर पंजाब नहीं है,
جنوبی پنجاب کو آپ دیکھ لیں، آپ سینٹرل پنجاب آپ کو دیکھ لیں، آپ نارتھ پنجاب، پنڈی اسلام آباد کو، پنڈی اور یہ جہلم وغیرہ ان علاقوں کو آپ دیکھ لیں۔ اور دوسری جو بات ہے اس کی گورننس کی، اگر ہم بات کریں تھوڑی سی بہتری آئی ہے کے پی میں اسکولس کے حوالے سے، ہاسپٹلس کے حوالے سے، ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، پولیس کلچر کافی انہوں نے بہتر کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ کے پی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ مطلب ہم بالکل بھی بائس نہیں ہیں اس معاملے میں، کے پی کو کریڈٹ جاتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو باقی حکومتیں ہیں جہاں مرضی، بلوچستان کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، بلوچستان بےچارہ تو وہ ایک ستیلی ماں جیسا اس کے ساتھ تعلق کیا جاتا ہے نا، ستیلی بچے ہوتے ہیں، ماں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جیسا اس کے ساتھ تعلق کیا جا، اس کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو باقی صوبے ہیں اسپیشلی پنجاب کی ہم بات کریں، تو بھائی پنجاب کو تو اتنے ریسورسز دیے گئے، اربوں کھربوں روپے تو صرف آپ نے میٹرو پہ لگا دیے، آپ نے جو لیپ ٹاپ پہ پیسہ لگایا، کیا لیپ ٹاپ ملنے سے بچوں کو تعلیم مل گئی ہے؟ کیا میٹرو ملنے سے، چلے میٹرو کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلے میٹرو کی وجہ سے لوگوں کو ایٹ لیسٹ غریب 6,500 ارب روپے لگایا انہوں نے، غریب کو جو ہے ایٹ لیسٹ ایک اچھی سواری ضرور مل گئی ہے، 6,500 ارب روپے لگایا، کیوں نہیں ہے پھر نقصان وہ جو یلو کیب ٹیکسیاں آپ نے دی تھیں اس کا، وہ اربوں روپے آپ نے لگایا، آپ نے گریجویٹس کو اٹھا کے جناب ڈگریاں لے کے آئے ان کو اٹھا کے، آپ نے ٹیکسی ڈرائیور بنایا، اور اب جب کریم آئی ہے تو وہ آپ کا اربوں روپے جو ہے وہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے، اگر اس پیسے کا آپ حساب لگائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے، آپ اپنا ٹارگٹ رکھتے کہ ہم نے پنجاب میں ایجوکیشن سسٹم میں یہ بہتریاں لانی ہیں 5 سال میں، آپ اس کی انڈیکیٹر بیسس پرفارمنس میئر کرتے، تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب سارا نہیں نا تو کم از کم ڈویژنل ہیڈز جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ضرور ابھی تک ٹھیک ہو چکے ہوتے، لیکن یہاں پہ وہ بھی ٹھیک نہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اس الیکشن میں میرا بیانیہ جو ہے وہ پانی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ میں دے چکا ہوں، میرا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، ان کو ووٹ کو عزت انہوں نے دے دی ہے نا، اب لوگوں کو پتا چلے گا جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، اس وقت آپ کو پتا ہے گرمی میں ووٹ ڈالنے جائیں گے، پورے ہمارے 70 سال میں انہوں نے جو ہمارا بس اینڈ کی طرف ہے 60 ارب ڈالر ہمارا قرضہ تھا، انہوں نے یہ پچھلی حکومت کے اندر ابھی آپ کو پتا ہے کہ 40 ارب تک پہنچا دیا ہے، 40 ارب ڈالر جو ہے اتنا پورے پاکستان نے 70 سال میں قرضہ نہیں لیا جو انہوں نے 4 سال کے اندر لے لیا ہے، اور جدھر پیسے لگائیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، اسکول کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پانی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، بجلی ہمیں نہیں دی جا رہی، گیس ہمیں نہیں دی جا رہی، تعلیم ہمیں نہیں پوری کی جا رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے سپریم کورٹ کی ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کے بےچارے یہاں پر اسلام آباد میں ہائی کورٹ 4 سال ہائی کورٹ بن کے پھرتا رہا، اس کی عمارت کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کو پہلے الاٹ نہیں ہو رہا تھا پلاٹ، اس کے بعد یہاں سے ایف ایڈ کچہری سے انہوں نے G11 میں شفٹ کرنا تھا، ابھی تک وہ بےچارے شفٹ نہیں کر سکے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے وہاں پر جانے کی، وکلا بےچارے اتنے زیادہ ہیں، تو وکلا ان کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی تو پھر ہی کچھ کر سکے ہیں۔ ایک میری ون لائنر سجیشن ہے نواز شریف صاحب کو، یہ جو اپنا بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے نا، اس کو تھوڑا سا ایک لفظ سے بدل ہے، نہیں بیانیہ ہے، صرف ووٹ کو عزت نہ دیں بلکہ ووٹر کو بھی عزت دیں، کیونکہ ووٹر کو عزت آپ تبھی وہ ریئلائز کریں گے، آپ اسے عزت دیں گے کہ جب آپ اس کو بنیادی حقوق اور بنیادی سہولیات دیں گے، تو اس کو کائنڈلی یوں کر دیں کہ ووٹر کو عزت دو، تاکہ ووٹر کی جب کو آپ عزت دیں گے تو پھر آپ کو بھی احساس ہوگا یار کہ میں نے ووٹر کو کیسے عزت دینی ہے، میں نے اس کو بنیادی سہولیات دینی ہے، تبھی وہ جو ہے اس کو عزت ملے گی۔ بالکل، ختم کرتے ہیں اپنے پروگرام کو، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بات چاہے باجوہ ڈاکٹرائن کی ہو یا پھر اگر ہم کہیں کہ چیف جسٹس کی ایکسپلینیشن کی جو وہ دیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ جب ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ٹرانسپیرنٹ رہیں، ٹروتھ بیسڈ کمیونیکیشن کریں، کیونکہ دیر از اونلی فیکٹر وچ از امپورٹنٹ از آنیسٹی لائز اونلی ان ٹروتھ۔ اس تھاٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔